स्टूडेंट्स, मैं सुशीला यादव, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, सच्चा मित्र। सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए। आज की हमारी कहानी है सच्चा मित्र। एक बार एक नदी के किनारे एक पेड़ था, उसकी टहनियों पर एक बहुत सारी पक्षियों ने घोंसला कर रखा था और एक कबूतर उन घोंसलों में से हमेशा देखता रहता था। एक दिन चिट्टी, जो उस पेड़ के नीचे बिल में रहती थी, उसको बहुत प्यास लगी थी। वह पानी पीने नदी के पास गई। अचानक वह नदी में फिसल गई और गिर गई। उसने पानी में से बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं आ सके। वह कबूतर उस चिट्टी को देख रहा था, वह उसकी मदद करना चाहता था। वह पेड़ से नीचे आया, उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और उसे चिट्टी के पास छोड़ दिया। चिट्टी उस पत्ते पर चढ़ गई और उसकी जान बच गई। उसने कबूतर का बहुत बहुत धन्यवाद किया। कुछ समय बाद उस नदी किनारे एक भेड़िया आया और उसने कबूतर को पेड़ से बैठा हुआ देखा। उसने अपनी बंदूक ली और कबूतर पर निशाना साधने लगा। वो उस कबूतर को मार देता। वही चिट्टी उस समय भेलिए को देख रही थी और उसने चिट्टी ने उसके पैर को काट दिया, निशाना चूक गया और कबूतर वहां से उड़ गया। और इसी तरह चिट्टी ने कबूतर की जान बचाई। इसी तरह वह मुसीबत के समय वह एक दूसरे के काम आए, जिससे अपनी जान बचा पाए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मुसीबत के समय दोस्त ही दोस्त के काम आता है। ओके, आज हमने पढ़ी सच्चा मित्र की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो उसे याद करिए और अपनी कक्षा में सुनाइए। यह वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।